गुड आफ्टरनून, कैसे हो सब। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने। और मैंने अभी नाश्ता बनाया है और उसके बाद बर्तन धुले थे तो उससे स्टैंड में नहीं लगाया था, उससे स्टैंड में लगा रही हूँ। स्लैब वगैरह सब साफ़ कर लूँगी क्योंकि अभी मैंने लंच भी नहीं बनाया है। और ये नाश्ता करके जा चुके हैं ऑफिस, लंच करने के लिए भी घर आएंगे तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अनुपम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। हमारे घर का ये राजदूत आ चुका है, अब ये सब बिगाड़ेगा। नमस्ते कर लो, सब लोग कह रहे हैं बड़े हो जाओ, बड़े भी कर दो, इतने बड़े हो जाइए और किसू भी दे दो मुझे नहीं। सारी लिप्पी लग गई, सारी लिप्पी लग गई, गुलाबी गुलाबी होंठ। कल एक लिपस्टिक फिर खराब किया है। ये क्या कर रहे हो, कहाँ चढ़ना है, आप दिखाई दे रहे थे। कुछ बोलो, खा के गिरे धड़ाम, बोलो। नीचे बैठो, आप नहीं दिख रहे हैं, आप जो टंग, आपकी टंग छी खा जाओ, खेलो, हम बात कर लें। मम्मा को खाना भी तो बनाना है। अभी मैंने नाश्ता बनाया है और इनको जल्दी जाना था तो ये चले गए हैं ऑफिस, लेकिन अभी मैंने लंच नहीं बनाया और आज मुझे कहीं जाना भी है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। पहले लंच बनाऊँगी, हम सब लंच करेंगे, उसके बाद में मुझे कहीं जाना है, फिर मैं जाऊँगी वहाँ भी। तो बढ़ते हैं आज की ब्लॉग की तरफ। मैं बना रही हूँ लंच में आज मसाला भिंडी, जिसके लिए मैं भिंडी थोड़े लंबे लंबे पीसेस में काट रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को भिंडी पसंद नहीं है तो इस वजह से मैं जब भी भिंडी बनाती हूँ तो उसे थोड़े नए नए तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ, जिसके लिए कि जिसको पसंद भी ना हो वो भी आराम से खा सके। तो यहाँ तेल गर्म हो गया था, मैंने उसमें भिंडी फ्राई होने के लिए सादा ऐसे ही डाल दिया है, इसमें किसी चीज़ का कुछ भी तड़का नहीं दिया है। पहले तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला और जगह गर्म हो गया तो मैंने उसको फ्राई करने के लिए तेज आंच पे छोड़ दिया है। और यहाँ मैंने एक अदरक का टुकड़ा लिया है, एक प्याज लिया है, एक टमाटर और थोड़े से लहसुन लिए हैं। इन सबको ऐसे थोड़ा रफली काट के मैं पेस्ट बनाऊँगी। और एक प्याज लिया है जिसे मैं थोड़े बड़े पीस में काट के भिंडी में मिक्स करूँगी। और अभी देख सकते हो भिंडी फ्राई हो चुकी है और थोड़ा सा कढ़ाई मैसी हो गया है, लेकिन इसको आप लोग इग्नोर करिएगा क्योंकि जब हम कुछ बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो बर्तन गंदा होता ही है। और भिंडी अभी मैं निकाल ले रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने प्याज जो काटा था उसे भी ऑयल में थोड़े देर के लिए ऐसे ही थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए बस इतना ही इसको भूनूंगी। और फिर भिंडी जब फ्राई करूँगी सब्जी तो उसमें मैं इसको मिक्स कर दूँगी, इसे बहुत देर तक नहीं पकाना है। और अभी देख सकते हो आप लोग मैंने यहाँ पे मेथी का तड़का दिया है, फिर मैं इसमें जो पेस्ट मैंने बनाया था उसको ऐड कर दिया है और साथ में मसाले भी ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मसाला लिया है, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच और थोड़ा सा गरम मसाला भी। इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी इतना कि ये अच्छे से मसाला जो है भुन जाए, ये तेल छोड़ दे, उतना देर तक मुझे इसको फ्राई करना है। और यहाँ पे मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अभी भिंडी और प्याज जो दोनों मैंने फ्राई करके निकाला था उसे मैं मसालों में डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक भी ऐड कर दूँगी। जब मैं भिंडी फ्राई कर रही थी तब भी मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, लेकिन वीडियो में नहीं दिखा है वो। सो अभी भी थोड़ा सा इसमें नमक डाल दे रही हूँ जिससे थोड़ा इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। और हो गई हमारी सब्जी, बस इसे ढक के थोड़ी देर पकाएंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। अभी देख लीजिए आप, मसाला भिंडी बनकर तैयार हो गई है। इसको आप भिंडी दो प्याजा भी कह सकते हैं। और आप लोग बनाइए, जिसको भी भिंडी अगर पसंद नहीं होगा वो भी आराम से खा सकता है। सो बनकर तैयार हो चुकी है हमारी मसाला भिंडी और भिंडी दो प्याजा। और इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और सब्जी बन गई है तो इसके बाद मैं अभी पूरियां बनाने वाली हूँ तो उसके लिए तैयारी कर लेती हूँ। मैंने गेहूं का आटा लिया है और मैंने उसमें थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाल दिया है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक भी, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाला है। और सादे पानी से ऐसे ही पूरी का आटा जैसे लगाते हैं वैसे लगा के तैयार कर लिया है और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दूँगी और फिर मैं बना लेती हूँ रायता, क्योंकि कल मैंने जमाई थी दही तो बहुत अच्छे से वो जम गई है। और मैं यहाँ पर खीरे का रायता बना रही हूँ
और रायता बनाने की रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ मैं, अपने शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूँगी तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और ब्लॉग आपको कैसा लगता है वो भी बताइएगा मुझे। और अभी मैं सारी पूरियाँ निकाल ले रही हूँ, मैंने किचन की खिड़की खोल दी है, बाहर से थोड़ा बहुत हवा आता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जब खाना बनाने लगो। किचन बाहर की तरफ से है तो सीधे धूप पड़ती है उस पर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, आप गर्मी देख भी सकते हो मेरे चेहरे पर, तो काफ़ी गर्मी मुझे लगती भी है और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है भी, तो दोनों तरफ से बड़ी दिक्कत है। और यहाँ पे सारी पूरियाँ मैंने निकाल कर तैयार कर ली है, इनका लंच निकाल दिया है, ये आ गए हैं खाने के लिए, इनको दे देती हूँ, पता नहीं कैसा लगने वाला है खाने में। सो अच्छा लगा था इनको खाना, जैसा कि भिंडी खाते नहीं है फिर भी इन्होंने अच्छे से खाया था तो इनको पसंद आया था। और रायता थोड़ा सा मुझे लगता है तीखा हो गया था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लोग खा लेते हैं आराम से, इनको ज़्यादा तीखापन से कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया नहा चुके हैं और ये सब खाना नहीं खाएंगे, तो इनके लिए मैंने खीर बनाई थी अलग से और वही खीर खिला दे रही हूँ, बाकी ये कुछ भी वैसा नहीं खाता है तो इनके लिए मैंने खीर बनाई थी, इनको खिला दूँगी। नहा के आ ही चुके हैं और सो पहले ही लिया है इन्होंने तो अब सोएंगे भी नहीं। बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और बाहर जाने लायक बिल्कुल भी मौसम नहीं लग रहा है अभी तो शाम तक सोच रही हूँ निकलूँगी ट्रैपर उठा के। तोड़ोगे क्या? ना भैया पे 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 सो लिए हो ना तो अब नहीं चैन रहेगा, जब तक ये बाहर खेलेगा मुझे ऐसे बैठना पड़ेगा। और धूप भी हो रही है, धूप भले ही हो रही है लेकिन हाँ ये है कि हवा चल रही है तो ठंडा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी अभी नहीं महसूस हो रही है। और यहाँ थोड़ी दूर तो छांव है, देखो तोड़ रहा है, एक स्टिक निकल गई, जाओ पे 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 बार बार पूछता रहता दिन भर में कई बार, पापा गए पापा गए, अभी पापा आए थे खाना खा के गए इनके पापा। और हमारा भी लंच वगैरह हो गया है, हम सभी बस ये धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है बैठे हुए हैं, और मैंने सोचा था कि मैं भी थोड़ा आराम करूँगी लेकिन ये सोया था तो ये उठ गया, और फिर इनको उठने के बाद इनको नहा धुला दिया, तो अभी ये खाने के बाद खेल रहे हैं, इनका तो आराम करने का टाइम होगा नहीं, तो अभी कोई ना कोई सामान रोज़ एक सामान नुकसान करता है, कल एक लिपस्टिक खराब की थी, आज ट्राइपॉड बैंड बज गया उसका, विदा कर दो बेचारे को, अब उसकी टांगें टूट चुकी हैं, व्हील चेयर पे बैठाओ तो धूप हो रही है बहुत तेज़, अभी तो जाने लायक नहीं है बाहर, शाम तक जाऊंगी हो सकता है तो। और जो दो चादरें मैंने ली थी तो सोच रही हूँ अभी खाली बैठी हूँ तो उसको ही ठीक कर लेती हूँ, उसको काट लेती हूँ नाप के, और उसके बाद उसकी किनारियाँ सिल लूँगी, फिर इसको धो देती हूँ और उसके बाद बिछाऊँगी, एक काम तो आज ख़त्म कर लेती हूँ। ये बेडशीट को मैंने नाप लिया है और परफेक्ट साइज है, मतलब ये नहीं है कि छोटा है कहीं से भी, चौड़ाई भी ठीक है लंबाई भी ठीक है, और मैं बीच से वह जो निशान था उसी पे काट ले रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से वो मुड़ा था उसी साइज़ में वो, मतलब दोनों ही चादर सेम साइज़ में ठीक से थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं उसे वहीं निशान से ही काट ले रही हूँ धीरे धीरे से। और मुझे इसको हाथ से ही सिलना पड़ेगा क्योंकि मशीन आपने पिछली वीडियो में कभी मेरे पास देखी होगी तो मशीन मेरी नहीं थी, मैं नीचे से लेके आई थी, मुझे एक सूट सिलना था तो उसके लिए, और उसी में मैंने कुछ और भी सिला होगा शायद अपनी किसी वीडियो में, तो अभी मैं हाथ से ही सिल रही हूँ क्योंकि बार बार नीचे ऊपर ले जाने और ले आने में प्रॉब्लम होती है मशीन, तो इस वजह से मैं हाथ से ही सिल के इसको दोनों चादर तैयार कर लूँगी। और बस महीन महीन टांके लगाते हुए चले जाना है, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि डबल बेड की चादर है तो इसलिए टाइम तो लगेगा ही। और दोनों ही चादरें मैंने सिलकर तैयार कर ली हैं, इनको ऐसे ही फोल्ड करके मैं रख दूंगी, और उसके बाद अभी मैंने इसे धोया नहीं है, आज मैं इसे धो लूँगी और जब कल ब्लॉग कल शूट करूँगी तो उसमें मैं ये बिछाने वाली हूँ, और तब आप उसका साइज़ देखिएगा कि कैसा है। और अभी मुझे मार्केट भी जाना है सो इसको जल्दी से करती हूँ अलग और फिर तैयार हो जाती हूँ।
हूँ, मुझे जाना है मार्केट। मैंने बोला था ना आज मुझे कहीं जाना है, तो हम लोग उस दिन गए थे तो मार्केट पूरी बंद थी, तो जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैं नहीं ले पाई थी, लेकिन आज मैं जा रही हूँ फिर लेके आऊँगी। और अकेले जाना है और अकेले लेके आना है, तो पता नहीं वीडियो बन पाएगी नहीं बन पाएगी, तो चलिए चलते हैं देखते हैं जहाँ तक बन पाएगी। तो चलिए चलते हैं मार्केट और यहाँ मैं लेने वाली हूँ कुछ सामान। जो भी सामान मैं लूँगी वो सब आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलने वाला है, तो कल के ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। आज का ब्लॉग कैसा लगा है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप लोग किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं वो भी मुझे कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी पसंद आई हो, ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।